कहाँ से सीखे आप? कहाँ सीखेंगे, घर से धंधा करता है, दूसरा जगह सीखे। इडली, इडली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह घुसता है कि यह एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। यह श्वेत रंग का होता है और इसका आकार 2-3 इंच के व्यास में होती है। यह मुख्यतः चावल से बनता है। क्या आपको मालूम है कि इडली के आकार का ही, यानी कि 2-3 इंच के व्यास का ही और वह भी सफेद रंग का एक व्यंजन बिहार में निर्मित होता है। इसका नाम है भक्का। यह भी चावल से ही निर्मित होता है। तो आइए जानते हैं बिहार में भक्का कैसे बनता है। कैसे बनाते हैं? चावल को पीसते हैं फुलाकर। अच्छा, जाता में मैंने क्या चीज़ का चावल? धान का उसना चावल लाते हैं। अच्छा, लाकर उसके बाद पीसते हैं, उसके तो चीनी डाल के तो उसमें चीनी डाला हुआ है। क्या नाम है इसका? उसमें क्या है? उसमें बनाइए तो कैसे बनाते हैं बताइए, तो दिखाई दो। आटा डालते हैं बाटी में। अच्छा, उसके बाद आटा डाल के हम डालते हैं। डालिए, निकलेगा हवा। अच्छा, इससे भाप निकलेगा तब डालिएगा जी। और इसे को कहते हैं भक्खा। कितना दिन से बना रहे हैं? ये कहाँ से सीखे आप? कहाँ सीखेंगे, घर से धंधा करता है, कहीं दूसरा जगह सीखे। शाम को दुकान लगाते हैं तो कितना बिक जाता है भक्का आपका? 150-200 बिक जाता है। 150-200 रुपया कमाते हैं कि 150-200 भक्का पीस दुकानदारी करके उठे कितना हुआ, 150 रुपया कभी हो जाता है 200 रुपया। ये के ठंडा के समय बनता है? ठंडे समय बनता है, गर्मी में सोने लगता है। इसमें क्या क्या मिलाया है? चीनी और पानी और आटा। चावल का आटा है। तो बन के रेडी हो गया है? बन गया जी। भाई इसी को देखिए कैसा बनता है। ऐसे खा लेगा आदमी तो चटनी फटनी की जरूरत नहीं है। गरम है? हाँ गरम। गरम खाने में मजा आता है।